न्यू स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अब चोर भगवान के घरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक चोर के पास से राम, लक्ष्मण और सीता की चोरी की गई मूर्ति बरामद की। पुलिस अधीक्षक जलन स्वामी प्रसाद ने राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्तियों को बरामद कर चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि उक्त आरोपी रमेश उर्फ राम सिंह बाबा, पुत्र शिव शंकर चौहान, ग्राम पतारा, मुंबई थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर के 3 मूर्ति व 1 जोड़ी बिछिया, तोड़िया सफेद धातु व 1,000 रुपए, 2 किलो गांजा सहित कदौर के ग्राम इकोनी दानी बाबा मंदिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खुलासा के दौरान पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि राम जानकी मंदिर मरगया में चोरी करने के पहले हमने 29 मार्च 2019 को चतेला में श्रवण कुमार दशित पुत्र द्वारिका प्रसाद के घर कुछ सामान चोरी किया था, तथा चोरी की मूर्तियों को घटना के बाद छिपा दिया था और जंगल के सुनसान स्थान से ले जाकर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर धर दबोचा और आरोपी के कब्जे से मूर्तियां बरामद कर स्क्वाड टीम ने उन्हें जेल भेजा व स्वर्लायंस टीम की मदद से मूर्तियां बरामद की गई। तो कितने की चोरी थी? चोरी बेचने वही था, नहीं था, ये हुआ था कि हम छोड़ चुके थे चोरी। चोरी छोड़ने के बाद साधु ने कहा कि चोरी कर लो, जिंदगी में 5 करोड़ की है। कभी कौन साधु ने कहा? भोला दास जो बेहोश थे। नहीं, दूसरा साधु, उसने हमको उस गाँव लाया। हम बहुत दूर के रहने वाले, हम चोरी करना छोड़ दिए। साधु ने कहा एक बार कर लो, बड़ा हाथ मारा। आधा दे दूंगा।